मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इमरान सैफी, मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात के अंदर आए हुए हैं और आज हम आपको आम के बारे में और जो इस वक्त फसल आम की चल रही है और इस वक्त जिस तरह से पूरे देश के अंदर लॉकडाउन और आर्थिक जो मंदी हुई है, तो अब बाग वालों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है लॉकडाउन का। तो आज हम बाग के जो मालिक हैं उनसे खास बातचीत करेंगे और आम के बारे में आप लोगों को बताएंगे और फसल के बारे में भी आप लोगों को आज हम आपको बताएंगे। आओ चलते हैं, हम अब मिलते हैं बाग मालिक से चल के। हुए हैं बाग के मालिक बैठे हुए हैं और मेरे चारों तरफ आप देख रहे हो किस तरह से आम जो है पेटियां रखी हुई हुई है, जो आज ही इन्होंने पाल खोली है और इन्होंने पेटियों में आम को लगाया है। तो सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को अपने बारे में आप बताइए। नाम इंतजार, गांव अथराड़ा, जिला मेरठ। अच्छा, तो मुझे एक चीज़ का आप सवाल है, मेरा पहला सवाल है आपसे कि जो फसल इस बार आपकी आ रही है पेड़ों पर, पिछली साल से इस साल जो है कैसी फसल है? फसल तो पिछली साल से तकड़ी है जी, पर मंडी के भाव नहीं है लॉकडाउन की वजह से। 200-250 रुपए की करेट जा रही है, पहले 600-700 रुपए की करेट जा रही थी। अब क्या, कीड़ा ज़्यादा लगा बागों में, लागत ज़्यादा लगानी पड़ रही है, भाव मंडी में है नहीं। भाव जो मंडी में है, लॉकडाउन का जो प्रभाव है आप पे इस वक्त जो है, गवर्नमेंट मुझे एक चीज़ बताइए, ये जो आपकी जो मंडी में आप जो फसल लेके जाते हो आम की, तो ये गवर्नमेंट के प्राइस होते हैं या जो मंडी जो आड़ती है उन लोगों के प्राइस के अकॉर्डिंग लेते हो? ये आड़ती के उससे होते हैं, गवर्नमेंट का कोई नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जिस तरह से आप अपनी जो पेटियाँ हैं आपकी, भाई इतनी सारी पेटियाँ आपकी 70-100 पेटियाँ डेली की डेली आप तोड़ते हो, फिर पाल खोलते हो, तो खोलने के बाद में जो आप लगाते हो उसके बाद में जो आपकी जो गाड़ी लोड होकर जाती है, जैसे लॉकडाउन जब से लगा हुआ है लोगों में जो आम को लेके जो आक्रोश है, मतलब किस तरह से आम की जो पेटी आपकी किस तरह से बिक्री है? बिक्री तो बहुत कम है मंडी में, क्यों पब्लिक नहीं पहुँच रही, खरीदार है नहीं, तो भाव आएंगे कहाँ से? भाई लॉकडाउन लगा हुआ है इस वजह से भाव तो नहीं। फिलहाल आपके पास जो मंडी है, जो मंडी है आपके पास, आपको अब जो फसल आप लेके जा रहे हो, जैसे आपकी मेरे चारों तरफ इस टाइम जो है चारों तरफ पेटियां रखी हुई भी है, हो सकता है कि आज शाम को ही आप इस गाड़ियों में आप लोड कराए, तो मुझे ये बताइए कि फिलहाल आपकी जो मंडी है, आसपास की जो क्षेत्र की मंडी है आपकी डिस्ट्रिक्ट की, कौन कौन सी मंडी में आप आम लेके जा रहे हो? मंडी में हापुड़, साझापुर, मेरठ, लोनी, ये मंडी लेके जाते हैं। अच्छा, मंडी लेके जा रहे हो, तो मुझे ये बताइए कि आप एक मंडी में आम लेके क्यों नहीं जा रहे, कारण क्या है कि आप चारों तरफ सभी जगह मंडियों में आम लेके जा रहे हो? कारण ये है कि थोड़ी करेट वहाँ भेजी, थोड़ी वहाँ भेजी, इस वजह से थोड़ा सा रेट मिल जावे, अन्य एक ही जगह सगला माल भेजेंगे तो रेट कम मिलेगा, घायक कम है ही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब जो है मंडी जो है बिल्कुल शांत पड़ी हुई है, कोई आम का जो है बहुत कम खरीदार जो है बहुत कम मिल रहा है जी। तो दर्शकों, हमारे भाई ने बताया है कि जिस तरह से लॉकडाउन का जो प्रभाव है इन पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है लॉकडाउन, और देश के अंदर वैसे तो लॉकडाउन लगा हुआ है, धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है क्योंकि महामारी इतनी ज़्यादा फैल रही है, इसी चीज़ के लिए लोगों के पास इस वक्त पैसा भी, क्योंकि 4 महीने लॉकडाउन को लगे हो गए हैं, इसलिए जो है सभी जितने भी व्यापार है, जितने भी काम है, सभी पे इसका प्रभाव पड़ रहा है और आम मालों पे भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे इस तरह से अब डेली रोज न्यूज में आ रहा है और जिस तरह से मानसून आ रहा है प्लस आंधी तूफान भी आ रहा है, तो इसके साथ साथ आप बताइए आपको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान या कोई दिक्कत वाली बात? नुकसान तो इतना है कि पहले 1 करेट 600 रुपये की थी, अब क्या 200-250 रुपये की है, जमा बनानी भी भारी पड़ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, जमा बनानी भी आपको भारी पड़ रही है, तो अब मुझे बताइए थोड़ा सा, अब मुझे थोड़ा आम, हमारे दर्शकों सभी को जो है थोड़ा आम के बारे में बताइए
और सबसे पहले जो है आप मुझे ये क्रेटों के बारे में, ये जो आपकी पास क्रेट लगी हुई है इनमें कौन सा आम लगा हुआ है? इसमें दशहरी आम लगा हुआ है। अच्छा, ये दशहरी आम है जी। ये आपकी जो पूरी है इसके अंदर जो है, हमारे जो बाग मालिक है आप लोगों को आज आम की वैरायटियों के बारे में बताएगी, और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पेड़ है। तो भाई साहब हमें ये बताइए कि ये आम जो है ये कौन सा लगा हुआ है? ये दशहरी है। ये दशहरी है जी। तो दशहरी का इसमें जो इसका जो टेस्ट है वो किस टाइप का है? दशहरी का टेस्ट जो है अभी फिलहाल खट्टा है। अन्य दशहरी जो है ज़्यादातर लोगों को पसंद है। इसकी जो है ये यानी के ऊ नहीं होती है, अफरती नहीं है। अच्छा, ये दशहरी हो गई। और कौन सा है? आगे चलते आगे बढ़ते दर्शकों, अब हम आगे दूसरे पेड़ की तरफ। ये जो सबसे मोटा आम है ये लंगड़े का है दर्शकों। ये आम जो है ये लंगड़े का आम है, और इसका वजन भी काफ़ी हो जाता है आपका। ये आप देख रहे हो ये लंगड़े का है और इसका वजन भी काफ़ी होता है। तो थोड़ा हमें, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसके लंगड़े के आम के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये टपका जो है इसका बहुत मीठा होता है। अच्छा, पाल भी बढ़िया होती है। अच्छा, ये ज़्यादातर बाहर विदेश जाता है आम। ये आम, ये लंगड़ा आम जो है ज़्यादातर विदेश जाता है। पब्लिक इसको ज़्यादा पसंद करती है खाना जी, विदेश में ज़्यादा पसंद है। अच्छा दोस्तों, ये हमारा लंगड़ा आम हो गया, और आगे बढ़ते ये कौन सा है दर्शकों? ये हमारा ये आम जो है ये अलग टाइप का आम है। ये बम्बई बधैया आम है जो हमारे भाई साहब बता रहे हैं। ये आप देख रहे हो आम, ये बम्बई बधैया आम है। तो इसके बारे में आप थोड़ा बताइए हमारे सभी दर्शकों को। ये पछेता आम है, ये चौसे के साथ चलता है। अच्छा, तो ये कम पेड़ है इस वजह से बढ़िया बिकता है। बढ़िया बिकता है, इसका रेट अच्छा मिल जाता है। शुगर फ्री है। अच्छा, शुगर फ्री आम है बम्बई बधैया। दोस्तों शुगर फ्री, जो शुगर के मरीज हो अगर उनको आम अगर खाना है तो वो लंगड़ा छोड़कर तुम्हारा गुलाब जामुन तो बम्बई बधैया आप लोग खा सकते हैं। और ये इधर ये जो पेड़ आप देख रहे हो ये भाई साहब कौन सा है? ये कौन सा आम है? ये गुलाब जामुन का है। ये गुलाब जामुन है। ये दर्शकों आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये गुलाब जामुन आम है। और इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये गुलाब जामुन जो है बहुत टेस्टी होता है जी, और खाने में बहुत अच्छा लगता है जी जी, और लोग बाग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका, आपने हमें टाइम दिया और हमारे सभी दर्शकों को बताया। आपने जो है जो भी आपके बाग में जो आम दर्शक खाते हैं उन आमों के बारे में बताया, गुलाब जामुन हो, लंगड़ा हो, बम्बई बधैया हो, और जी दशहरी हो। तो चार तरह के टाइप के इन्होंने आम बताई हमें, और इसी तरीके से इनके पेड़ इनके बाग में भी चार तरह के आम ही लगे हुए हैं। तो इन्होंने हमें बताया, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इन्होंने हमें बताया कि आम के बारे में बताया, आम की जो लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ रहा है बाग मालिकों पर। तो सारी चीज़ें हैं, और गवर्नमेंट से भी हम यही कहेंगे कि इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतर किया जाए इनके रेट को। और जो भी इनके जहाँ पर ये मंडी जाते हैं मंडी के जो भाव को है उसको भी बढ़ाया जाए। जिस तरह देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है, आर्थिक मंदी है, तो इस तरह से इनकी मेहनत, क्योंकि रात और दिन जिस तरह से ये फसल को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से रात दिन काम कर रहे हैं बाग में रह के, गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, सभी तरीके से ये यहाँ पर रह रहे हैं और मेहनत से कर रहे हैं। तो मैं तो यही चाहूँगा आढ़तियों से भी कि अच्छे तरीके से इनके बाग के आम के प्राइज मिले, और गवर्नमेंट भी इन पर थोड़ा ध्यान दे। दोस्तों आप लोगों को मैंने आज यही बात बताई, आज मैंने सभी बाग को आपको घुमा दिया है और सभी बाग के आमों के बारे में आपको बताया है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और कमेंट करें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत